तो यूपी चुनाव के दो चरण बीत चुके हैं, कल तीसरे चरण का मतदान होना है, वोट डाले जाने हैं। लेकिन इस बीच में ईवीएम को लेकर पहले चरण से ही विपक्ष आरोप भी लगा रहा है और अब तो समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखकर स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचने तक पीछा करने का निर्देश जारी कर दिया है। यानी कि ईवीएम की सुरक्षा, ईवीएम कैसे सुरक्षित पहुंचे, समाजवादी पार्टी का निर्देश है कि जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुंचे ना, तब तक आप पीछा करते रहे। यानी कि अभी तो वोट डाले ही जा रहे हैं, तीसरा चरण है, अभी से ईवीएम का जिक्र होने लगा है और संभवतः जब नतीजे आएंगे उसके बाद फिर से ईवीएम का जिक्र एक बार फिर से होगा। तो समाजवादी पार्टी ने सभी जिला और महानगर अध्यक्षों को पत्र भेजकर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं और इसमें साफ तौर पर ही कहा गया है कि मतदान खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचने तक आप पीछा करें। तो मतदान खत्म होने तक ईवीएम पर आप नजर बनाए रखें, यह समाजवादी पार्टी की अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि पोलिंग एजेंट जो भी है वो जाए और ईवीएम जब तक स्ट्रांग रूम में ना पहुंच जाए तब तक आप पीछा करें, देखें और स्ट्रांग रूम में सील होने के बाद आप निगरानी करें, आप देखते रहें कि क्या वहां पर हो रहा है। 24 घंटे स्ट्रांग रूम के बाहर आप तैनात रहेंगे। मतदान के बाद फॉर्म 17G का जो है प्रमाणित पति आप प्रति जो है आप जरूर लें, पीठासीन अधिकारी से पोलिंग एजेंट फॉर्म 17G लें। ये ईवीएम परण अभी से शुरू हो गया है और ये विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं समाजवादी पार्टी ने पोलिंग एजेंट्स को। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.